हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम केमिकल काइनेटिक चैप्टर की बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लेक्चर में बात करेंगे रेट लॉ की, ठीक है। रेट लॉ के बारे में बात करेंगे, रेट लॉ किस तरीके से आपका किसी भी रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा, और इंडिविजुअल रेट लॉ किस तरीके से लिखेंगे, ओवरऑल रेट लॉ की बात करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रेट लॉ हो गया, और रेट लॉ समझ भी लेते हैं, रेट लॉ के साथ साथ अगर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसके बाद हम मूव करेंगे कंसंट्रेशन के पार्ट पे, जहाँ पे रेट लॉ की रेट की जो डिपेंडेंसी है वो कंसंट्रेशन पे देखेंगे, और कंसंट्रेशन पे जो डिपेंडेंसी है उसके बाद हमारे पास नई टर्म आएगी, डेट इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट लॉ की। अब रेट हम जानते हैं किसी भी वैल्यू का जो टाइम के साथ चेंज होता है, कोई भी वैल्यू है, जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ जितनी चेंज हो रही है डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो जैसे जैसे कोई भी क्वांटिटी आपकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उस क्वांटिटी को हम क्या उसको हम क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी एक केमिकल रिएक्शन होनी है जहाँ पे रिएक्टेंट का कन्वर्जन होना है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो भी बात आएगी, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो किसका होगा, रेट लॉ का कॉन्सेप्ट होगा। और उस रेट लॉ को हमें लिखना कैसे ये देखते हैं आते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बहुत बढ़िया सी जो हेबर प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। क्या है रिएक्शन, वो है हमारी N2+3H2 gives 2NH3। एक हमें रिएक्शन दे रखी है N2 यानी अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालना है आइए देखते हैं। ये हमारा पार्ट जो है, ये जो हमारे पार्ट हैं, दिस इज रिएक्टेंट, ये पार्ट कौन सा है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और इधर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। एक हमारा पार्ट क्या हो गया, रिएक्टेंट पार्ट हो गया, एक हमारा प्रोडक्ट पार्ट हो गया। हमें पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा यानी रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो आगे की डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ते टाइम पे रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, यानी इनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, अगर जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, जैसे जैसे टाइम क्या होगा, टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इतना आ गया समझ में, एक वैल्यू डिक्रीज होगी एक वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है उसके बारे में हम बात करें, उसके बारे में अगर हम समझना चाहते हैं तो देखें, इसके लिए जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास रिएक्टेंट के नाम पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और रिएक्टेंट के बारे में मैं जानता हूँ ये चीज़ें चेंज होंगी, तो हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि यहाँ पे लिखा क्या जाएगा। तो लिखते टाइम पर आप ध्यान रखें, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। एक हमारा नाइट्रोजन है, तो इसके लिए अगर मैं Rn2 की बात करूँ, नाइट्रोजन के लिए बात करें, तो नाइट्रोजन के लिए जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी, क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा नाइट्रोजन की टाइम के साथ, टाइमिंग के साथ, वही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अभी हमने बात करी है कि रिएक्टेंट का जो रेट है, ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, एक माइनस साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, माइनस साइन, ठीक है। ये जो माइनस साइन लगाया है वो केवल इसीलिए लगाया है कि रेट की जो वैल्यू है नाइट्रोजन की वो क्या हो जाए, या फिर रिएक्टेंट की रेट की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्यों, क्योंकि जो चेंज आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे चेंज आएगा ये कैसा आएगा, ये चेंज आएगा नेगेटिव, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम्ड होता है,
रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, तो अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इससे आगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की हो गई, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, रेट ऑफ हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फिर से सुन लीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन के लिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन में, यहाँ पे कोफिशियंट कितना है, 3। लेकिन जब हम इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस कोफिशियंट का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। जब भी इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन, इंडिविजुअल रेट लिखने होते हैं किसी भी कॉम्पोनेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, उस वैल्यू में आपका जो कोफिशियंट है, स्टोशियोमेट्री है, स्टाइकोमेट्री जो आप जानते हैं बोलते हैं, उसका यूज़ नहीं होता, यानी वो उस इंडिविजुअल रेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद यहाँ से अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा देखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया, तो इसके लिए जो वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा आर ऑफ NH3 अमोनिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें लेके चलना है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें इस रेट की एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो बेसिक समझ में आ गया, तो बेसिक आपको समझना है कि जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। इट इज़ क्लियर और नॉट? चलिए अब इसके आगे की बात करें, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा। अब मैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, यानी मैं इन तीनों का आपस में संबंध निकालना चाहता हूँ, या फिर हम यूं कहें कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरी रिएक्शन का रेट किस तरीके से निकाला जाएगा। आप इन दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई बात नहीं, खतरनाक तो है नहीं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लिखना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी। पहले तो मैं दोबारा से रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में रहे कि हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन है हमारे पास N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास रिएक्शन है। N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए हमें निकालनी है वैल्यू। तो देखो बेटा क्या करना है, सिंपली आप समझ लें कि अगर मैं ओवरऑल रेट निकालूंगा तो ओवरऑल रेट के लिए क्या जरूरी है, वो जरूरी क्या है, आइए देखते हैं। आर इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ अमोनिया। मैंने ये तीनों लिख दिए, रेट ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अमोनिया, हम तीनों में रिलेशन चाहिए। तो तीनों में रिलेशन कैसे निकल के आएगा, ध्यान रहे रिलेशन निकालने के लिए क्या करना है, केवल कोफिशियंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन का कोफिशियंट कितना है 1, हाइड्रोजन का कोफिशियंट कितना है 3 और अमोनिया का कोफिशियंट कितना है 2। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट है। अब जो भी हमारा कोफिशियंट है उस कोफिशियंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए पूरी रिएक्शन, मतलब उन उन इंडिविजुअल रेट्स को, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो कोफिशियंट थे उन कोफिशियंट में हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन का कोफिशियंट कितना है 1, तो 1/1 कर दो। हाइड्रोजन का कोफिशियंट कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे नाइट अमोनिया का कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा,
एक अच्छा सा रिएक्शन का मतलब ओवरऑल रेट लिख दिया। अगर आप ये ओवरऑल रेट समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से आप समझ लो एक चीज़ कि बेटा ओवरऑल रेट निकालने का तरीका क्या है। ओवरऑल रेट निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, जो भी कोफिशेंट्स हैं, जो भी कोफिशेंट है आपके पास किसी भी एक बैलेंस रिएक्शन के अंदर जो गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, उस रिएक्शन के कोफिशेंट से क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए इंडिविजुअल रेट को। तो इंडिविजुअल रेट को डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें, इसको आप ठीक है, चलिए लिख लिया। इतना ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट समझ लेना, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है तो बड़ा आसान हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन हेबर प्रोसेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻²⁺ मोलर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। हेबर प्रोसेस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 3 × 10⁻²⁺ मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेट इज आर ऑफ एन टू, सेकेंड पार्ट R of H2, थर्ड पार्ट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तीन पार्ट है हमारे पास, इन तीन पार्ट को कैलकुलेट करना है। अब आपको सवाल में बैलेंस रिएक्शन गिवन नहीं है, क्या होगा अगर बैलेंस रिएक्शन गिवन होती और क्या होगा अगर बैलेंस रिएक्शन गिवन नहीं है, इन दोनों सिचुएशन में आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करिए, आपके पास टाइम है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो हेबर प्रोसेस हमको गिवन है, हेबर प्रोसेस में अब हम मजबूरी क्या है कि हम एक तो रिएक्शन तो लेनी पड़ेगी, अब वो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, तो ले लेते हैं बढ़िया सी रिएक्शन। आओ रिएक्शन क्या ले लेते हैं, जो हमने अभी लिए एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, ये हमने एक रिएक्शन ले ली। इस रिएक्शन के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब इस रिएक्शन में हमने तीन पार्ट ले लिए, भाई बैलेंस रिएक्शन है हम सब जानते हैं। अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन निकालूँ, भाई आर एन एच थ्री हमको गिवन है, तो आर एन एच थ्री अगर गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर एन एच थ्री इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 3 × 10⁻²⁺ मोलर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻²⁺ मोलर पर सेकेंड। अच्छा इसके बाद निकालना क्या है, निकालना है हमें आर एच टू, ये कैलकुलेट करना है, आर एन टू ये कैलकुलेट करना है, आर ये कैलकुलेट करना है, ये तीन बातें हो गई। अब इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इस आर का रिलेशन यानी इन दोनों पार्ट का रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को इस एच टू का रिलेशन इस अमोनिया के साथ चाहिए तो कैसे होगा, तो हमें रेट लॉ याद है, रेट लॉ लगा देते हैं। R इज इक्वल टू मेरे को पता है बहुत अच्छे से, R एन टू हो जाएगा, कोफिशेंट इसका 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ R एच टू हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ R एन एस थ्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात,
ये बात समझ में आ रही है, 1/2 ऑफ आर एन एस थ्री हो जाएगा। क्लियर। अब अगर ये चीजें हमें पता चल गई तो यहां से एक रिलेशन पता चल जाएगा किसके बीच में, हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में। एक रिलेशन पता चल जाएगा नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में, वही तो हमें चाहिए था। तो उसी के बेसिस पे तो हम यहाँ पे सारा खेल कर ही रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं निकालूं R ऑफ H2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 ऑफ R ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ R ऑफ अमोनिया, यानी रेट ऑफ अमोनिया। और इसी से एक चीज और पता चलेगी, वो हो जाएगी रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ऑफ रेट ऑफ अमोनिया। ये हो जाएगा 3/2 ऑफ रेट ऑफ अमोनिया। क्या करना है, वैल्यू अमोनिया के रेट की वैल्यू हमको गिवन है, क्वेश्चन में पुट करिए, आंसर निकालिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, R ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ऑफ 3×10^-2 वैल्यू। तो 3 जा क्या होता है 9, और 9/2 कितना होता है, 9/2 होता है 4.5। तो ये आ जाएगी वैल्यू 4.5×10^-2 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सेम एज रिलेशन एक और हमको पता है, एक रिलेशन तो हमारा यहां से आ गया, दूसरा रिलेशन हमें किसका पता है, दूसरा रिलेशन हमें नाइट्रोजन का। अब चाहे हाइड्रोजन के साथ रिलेशन निकाल लो नाइट्रोजन का, चाहे आप अमोनिया के साथ रिलेशन निकालो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा R ऑफ N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ R ऑफ अमोनिया। ये कितना हो जाएगा, 1/2×3×10^-2 डेट इज इक्वल टू 1.5×10^-2 मोलर पर सेकेंड। भाई रिलेशन समझ में आ गई, वैल्यू समझ में आ गई, यहां पे हमने कर दिया। अब इस वैल्यू के साथ एक और वैल्यू निकालनी है, डेट इज R, और R की वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है हमें, R ऑफ N2 के इक्वल दिख रही है, यानी ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1.5×10^-2 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी तीनों आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, मैं मान लेता हूं एक केस ये था जब मैंने रिएक्शन क्या ली थी, एक केस ये था जब मैंने रिएक्शन यहां पे N2+3H2 gives 2NH3 ली थी, ये हमारी केस वन हो गया जब हमने रिएक्शन इस तरीके की ली। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे को तो ये वाली रिएक्शन समझ में नहीं आई, मैंने जब क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने रिएक्शन चेंज कर दी, मतलब जब मैं हेवर प्रोसेस की बात कर रहा था तो हेवर प्रोसेस में मेरी रिएक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी जो मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी थी वो अलग लिख दी। तो क्या बैलेंस रिएक्शन लिखी थी, आइए देखते हैं, इसको मैं किसी और कलर से करके देखता हूँ। ग्रीन से कर लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केस टू की। केस टू में जो हमने रिएक्शन ली है वो क्या ली है, रिएक्शन बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन ली है, चेंज कर लेते हैं, 2N2+6H2 gives 4 अमोनिया। अच्छा चलो, ये तो आपको लग रही होगी यार कि सर यहाँ तक तो हम नहीं जाएंगे, हम हाफ वाली रिएक्शन से भी बात कर सकते हैं। तो हाफ वाली रिएक्शन से 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं, वो भी आपके लिए, बात तो एक ही है, किसी से भी लिख दीजिए, आंसर तो आपका वही आएगा, 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ N2+3/2 of H2 gives 1 mole of ammonia। भाई ये रिएक्शन तो समझ में आ रही है। अब इसी रिएक्शन के लिए जब मैं R की वैल्यू निकालने बैठूंगा तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, तो R इज इक्वल टू बनेगा 1/2 ऑफ रेट ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, अब ध्यान रखना, अगर आपने ये यहाँ पे कोफिशेंट कितना दिया हुआ है हाफ, और आपने यहाँ पे भी हाफ लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे इससे तो क्या करना है, डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, और 1 से 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ N2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी,
2/3 ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अमोनिया। ध्यान रखना रेट ऑफ अमोनिया तो गिवन है, रेट ऑफ अमोनिया तो चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ अमोनिया वही रहेगा, कोफिशेंट लग जाता है तो आर की वैल्यू चेंज हो जाती। अब आते हैं रिलेशन पे, तो पहला रिलेशन मैंने किसके बीच में निकाला था, हाइड्रोजन के, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3/2 ऑफ रेट ऑफ अमोनिया, यही बनेगा। और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 × 10⁻²² मोलर पर सेकेंड, 4.5 × 10⁻²² मोलर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को तो हमने लिख दिया यहाँ पे। सेकेंडली अगर हम बात करें रेट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रेट ऑफ नाइट्रोजन, तो रेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से रिलेशन निकालने पे ये वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ रेट ऑफ अमोनिया, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कितने के, ये हमने वैल्यू निकाली है, डेट इज 1.5 × 10⁻²² मोलर पर सेकेंड। चलो ये भी सेम वैल्यू है। सर आप तो कह रहे थे रिएक्शन नहीं दी होगी तो दिक्कत होगी, तो रिएक्शन नहीं दी थी तो इंडिविजुअल रेट तो भाई भाई आए, हमने कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी बैलेंसिंग रिएक्शन लोगे तो इंडिविजुअल रेट्स तो वहीं आएंगे, तो चेंज कहाँ पे आएगा, आइए चेंज की बात करते हैं। ओवरऑल रेट की बात करेंगे तो चेंज हमें देखने को मिलेगा, ओवरऑल रेट क्या है देखते हैं। अब ओवरऑल रेट जो है वो किसके इक्वल है, टू ऑफ आर एन टू, पहले क्या था ओवरऑल रेट किसके इक्वल हो दिख रहा था पहली रिएक्शन में, आर एन टू के इक्वल था, इस बार ओवरऑल रेट किसके इक्वल है, 2 × RN2 के इक्वल है। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻²² मोलर पर सेकेंड। आई बात समझ में, अगर आपने डेटा चेंज किया यानी रिएक्शन चेंज कर दी, स्टोशियोमेट्री चेंज हुई, तो किस पे फर्क पड़ेगा, रेट पे फर्क पड़ेगा क्या इंडिविजुअल, नहीं, ओवरऑल रेट पे फर्क पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के। तो इस बात को ध्यान रखें, अपने मन में रख लें, कहीं लिख लें कि स्टोशियोमेट्री का जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल रेट्स पे नहीं होता, किस पे होता है, ओवरऑल रेट पे होता है। तो यहां से एक नोट बना के हम लिख सकते हैं अच्छे से, लिख लो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द स्टोशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। और यहां पे एक चीज और याद रखना, इंडिविजुअल रेट्स आर इंडिपेंडेंट ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, जहाँ पे हमारा बेसिक रेट का कॉन्सेप्ट कवर हुआ है, कल से हम लाइव सेशन की कोशिश करेंगे, लाइव सेशन हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।